हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लूम टू एक्सप्लोर। मैं सुचि आज आपको ऐसी जगह लेकर जाऊंगी जो आपके दिल को जरूर छुएगी। वीडियो आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप हमारे साथ ब्यूटीफुल जर्नी को एंजॉय कर सके। आज हम कवर करेंगे हाउ टू रीच देयर, पार्किंग फैसिलिटी, फूड फैसिलिटी, टाइमिंग टू विजिट, एंट्री फी। हेलो एवरीवन, ब्लूम टू एक्सप्लोर में आप सभी का स्वागत है। आज हम जा रहे हैं, आप तो सब जानते हैं कि अभी श्रावण महीना चल रहा है। गोपू भी हाय आपको बोल रहा है। श्रावण महीना चल रहा है, हम जा रहे हैं कोटिलिंगेश्वर। बैंगलोर में सबसे पॉपुलर वो प्लेस है, आज हम विजिट करेंगे, आपको भी दिखाएंगे। वेदर बहुत ही अच्छा है और अभी तो लगेगा 42 किलोमीटर, आप देख सकते हैं 42 किलोमीटर है और भी 1 आवर अराउंड लगेगा और वेदर भी बहुत अच्छा है। 8 बज गए हैं। मैक्सिमम तो बेंगलोर में बारिश होता रहता है लेकिन आज वेदर बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ पर व्यू कितना सुंदर है। इस तरह का वेदर में आपको ड्राइव करेंगे ना हाईवे में, बहुत अच्छा लगता है, माइंड पूरा रिलैक्स हो जाता है। लॉन्ग ड्राइव, गोपू भी बड़ा एंजॉय कर रहा है। यहाँ पर देखिए ना, हिल के नीचे भी बहुत लोग रह रहे हैं, इनको कितना अच्छा लग रहा होगा। पूरा नेचर के पास रहना बहुत कम लोगों को नसीब में मिलता है। आप कुछ बोलेंगे? क्या बोले? सुंदर लग रहा है। देखिए कितना बाइकर्स जा रहे हैं। अभी यहाँ से टर्न लेंगे। द कोटिलिंगेश्वर टेम्पल लाइज इन ए स्मॉल कामासंद्रा विलेज इन द कोलार डिस्ट्रिक्ट, जो बेंगलोर से अराउंड 100 किलोमीटर दूर है। यहाँ से 28 किलोमीटर के बाद आपको लेंगे सर आ जाएगा वहाँ। आप यदि सुबह सुबह आने का प्लान बना रहे हैं, जैसे हम सुबह 6 बजे निकले थे, तो अब तो रास्ते में ब्रेकफास्ट हाईवे में ही आप ब्रेकफास्ट कर लीजिएगा, क्योंकि अंदर इतना अच्छा आपको हाइजीन वाला रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा, वही एक दिक्कत है। छोटा छोटा यहाँ पर देखिए लंच के लिए हो, ब्रेकफास्ट के लिए छोटा सा शॉप है, तो इतना आप अच्छा नहीं लगता ये वाला। हाईवे में आपको अब अच्छा वाला मिल जाएगा। अभी हम रेस्टोरेंट में पहुंच गए हैं, ये अराउंड बेंगलोर से 25 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हम इडली डोसा और टी ऑर्डर किए थे, टेस्ट वाइज अच्छा था बट प्राइस वाइज थोड़ा सा ज्यादा था।
ये जंगल है, यहाँ पर भी जंगली जानवर यहाँ पर रहते हैं। देखिए यहाँ पर पहाड़ भी दिया गया है, आपको दिख रहा होगा या नहीं, ब्लू कलर का जाली टाइप दिया गया है नहीं आने के लिए वहाँ पर। देखिए यहाँ से अराउंड 800 मीटर दूर है, देखिए आपको ऐसा गेट आपको देखने के लिए मिलेगा, इसके अंदर आपको जाना है। यहाँ पर पार्किंग के लिए 50 रुपीस देना होता है। पूजा सामग्री देखिए साइड में सब पूजा का दुकान है, जो भी आपको चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं, और अंदर भी है अवेलेबल है, आपको दिखाएंगे। पार्किंग के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा खासा स्पेस है यहाँ पर। यहाँ पर जो देख रहे हैं वो एंट्री एरिया है, देखिए कितने चारों ओर बहुत सारा शिवलिंग यहाँ पर है, 1 करोड़ शिवलिंग है यहाँ पर, और मेन मंदिर वहाँ पर है। हर हर महादेव, आप सभी को कोटिलिंगेश्वर टेम्पल में स्वागत है। This temple was constructed by Swami Sambhasiva Murthy in 1980. Temple visit timing है 6 am to 9 pm. Entry fee है 20 rupees per person. ये जो आप टेम्पल देख रहे हैं ये कोटिलिंगेश्वर का मेन टेम्पल है, इसको छोड़कर भी और बहुत सारा टेम्पल अंदर भी है। फोटोग्राफी अंदर अलाउ है बट मेन टेम्पल के अंदर अलाउ नहीं है। यहाँ पर जितना भी शिवलिंग देख रहे हैं शिवरात्रि के टाइम पर यहाँ पर सब शिवलिंग के सामने दिया जलाया जाता है। मंदिर का दर्शन करके हम यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर देखिए करोड़ों शिवलिंग है यहाँ पर, और पीछे देखिए कितना बड़ा शिवलिंग है, और नंदी भी है यहाँ पर।
मेन मंदिर में फोटो और वीडियोग्राफी अलाउ नहीं करते, यहाँ पर आप कर सकते हैं। ये कितना सारा तो बहुत अच्छा लगता है, धूप भी देखिए, आज वेदर बहुत ही अच्छा है। मैक्सिमम तो बारिश होता रहता है लेकिन आज धूप है। गोपू देखिए यहाँ पर बैठा है कि बिग सिबलिंग। हाँ, आपको अच्छा लगा? क्या क्या सब बोला है उसको, शिव मंदिर बहुत पसंद है गोपू को। हाँ, बहुत बड़ा शिवलिंग है। हाँ, यदि अभी श्रावण महीना चल रहा है, दो प्लेस जो सबसे अट्रैक्टिव है शिव जी का साधना के लिए है, आदि योगी और यहाँ पर है कोटिलिंगेश्वर। जुड़े रहिए हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी क्या क्या है आगे देखते हैं। ये एरिया ऐसा है कि बड़े हो या बच्चे, सबको तो वहाँ यहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर बहुत छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं और वो भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। गोपू देखिए तो कैसे खेल रहा है यहाँ पर, वो भी इंजॉय कर रहा है। The temple is extremely famous because of the largest and the tallest shivling present in Asia. The shivling is 33 meters or 108 feet, which is the tallest in the world. यहाँ पर जो नंदी आप देख रहे हैं वो अराउंड 11 मीटर टॉल है। ये जो बड़ा शिवलिंग देख रहे हैं उसके पास जो छोटा सा शिवलिंग आप नीचे जो देख रहे हैं, वहां पर आप दिया भी जला सकते हैं और अभिषेक भी कर सकते हैं। Thank you.
वीडियो को एंड करती हूँ। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।